डायरेक्शन है, अच्छा। बाहर वाला लगा हुआ है जिससे पावर खींचने की ताकत ज़्यादा रहेगी। अच्छा अच्छा, देखते हैं पीछे से। पीछे से देखिए डायरेक्शन वगैरह इसमें चेंज है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा, और इसका आयल में अच्छा ब्रेक है, जैसे 242 में आता था उसी टाइप से लगभग इसमें दिया है, बाकी 242 से थोड़ा सा हैवी इसमें है पीछे का पिछला हिस्सा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों, आज हम आ चुके हैं माँ काली ट्रैक्टर सीतापुर, जो कि शाहजहाँपुर रोड में भाइयों पड़ता है। तो भाइयों, आप लोग देख सकते हैं सीजन चल रहा है बरसात का, और इस समय आयसर ट्रैक्टर की भाइयों डिलीवरी काफ़ी शानदार तरीके से हो रही है। देख सकते हैं सामने 333 खड़ा है फाइव स्टार, जो कि 39 HP के साथ में है भाइयों। इसकी डिलीवरी होने वाली है, अभी किसान भाई ले जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे आयसर का एक नया ट्रैक्टर भाइयों लॉन्च हुआ है 3 सिलेंडर के साथ में, और मध्यम वर्गीय जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। चलिए वो आप लोगों को दिखाते हैं। जो कि ट्रैक्टर है भाइयों वो रोटावेटर भी चलाएगा, और जो कीमत वगैरह है बहुत ही कम रहेगी, और ट्राली वगैरह के काम के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। तो भाइयों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं, और झड़ाझड़ ट्रैक्टरों की जो है डिलीवरी वगैरह चल रही है। इधर खड़ा है देखो आयसर 242, और इधर 485 फाइव स्टार, 551, 333। और भाइयों सामने ट्रैक्टर है जो आप लोग देख सकते हैं, आयसर का न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है। 2024 में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। जो मॉडल है आयसर 330 फाइव स्टार, और 3 सिलेंडर 35 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। लुक वगैरह देख लो, काफ़ी शानदार है। और ज़्यादा जानकारी भी भाई साहब से लेते हैं, यहाँ पे जो सेल्समैन है उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। तो सामने आ जाइए भाई साहब। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, थोड़ा तेज बोलिएगा। तो हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको ये जो नया लॉन्च ट्रैक्टर आया है आयसर का 323 आयसर 330 फाइव स्टार जी, जो कि 35 HP के साथ में आया है, तो इसमें क्या कुछ फीचर्स वगैरह हैं और क्या इसकी खासियत वगैरह है वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे मिडिल क्लास किसान भाइयों के ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, और सबसे बड़ी जो बात है इसकी कीमत सबसे कम है मार्केट में जो अन्य ट्रैक्टर हैं, तो इसके बारे में खास चीज़ें बताइए। जैसे इंजन वगैरह इसमें कौन सा मिल रहा है, क्या है इसमें? इंजन सिम्पसन का लगा है। अच्छा अच्छा, और ये S318 ये अच्छा। मतलब इसका जो CC है 2270 CC का इंजन लगा अच्छा, हुआ अच्छा। है, और इसमें जो डायरेक्शन है अच्छा। बाहर वाला लगा हुआ है जिससे पावर खींचने की ताकत ज़्यादा रहेगी। अच्छा अच्छा, देखते हैं पीछे से। पीछे से देखिए डायरेक्शन वगैरह इसमें चेंज है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हुआ है। अच्छा अच्छा, और इसका आयल में अच्छा ब्रेक है, जैसे 242 में आता था उसी टाइप से लगभग इसमें दिया है, बाकी 242 से थोड़ा सा हैवी इसमें है पीछे का पिछला हिस्सा। तो मतलब पीछे से इसकी पकड़ ट्रैक्टर की बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी है ट्राली के काम में, मतलब आगे से उठेगा नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आयल एमिस्टेड ब्रेक है इसका। अच्छा, ऑयल ब्रेक के साथ में है। गियर वगैरह कितने मिल रहे हैं? गियर इसमें मतलब सब पूरे 10 गियर मिलेंगे, मतलब 8 आगे के और 2 पीछे के। ठीक ठीक, हाई लो के साथ में जी। सिंगल क्लच या डुअल क्लच? नहीं, सिंगल क्लच के साथ है, डायफ्राम क्लच के साथ। अच्छा अच्छा, और जैसे बाकी जैसे फीचर्स वगैरह हैं? और 46 लीटर डीजल टैंक की क्षमता है इसकी। अच्छा अच्छा, और डीजल टैंक के साथ में इसमें कैप वगैरह भी मिलती है? बिल्कुल, कैप भी मिलता है, लॉक वाला वगैरह है, और डिजिटल मीटर के साथ है ये। अच्छा, डिजिटल मीटर है। और इसके तो भाइयों आप लोगों को दिखाते हैं अभी, तो देख सकते हैं डिजिटल मीटर वगैरह इसमें दिया गया है, जैसे कि 333 वगैरह में आता है, और 1000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। सीट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया दी गई है, 540 स्टैंडर्ड RPM मिलेगा इसका। अच्छा अच्छा, जैसे बात आती है मतलब खेती के कामों के लिए, जैसे किसान, जैसे कोई मध्यम वर्गीय छोटा किसान है लगभग वहीं इसको खरीदेगा, जैसे जिसके पास मान लो 7-8 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन है, वो ऐसा ट्रैक्टर खरीदेगा जो ट्राली पर भी बढ़िया चल जाए, जिसका माइलेज कम हो, ठीक, माइलेज अच्छा हो, ट्राली पर भी चल जाए, माइलेज अच्छा हो, और दूसरे नंबर पर रोटावेटर भी आज के समय में बहुत ही ज़रूरत है। तो क्या आपका जैसे ट्रैक्टर है या 35 HP का है 3 सिलेंडर के साथ में 330, तो क्या रोटावेटर चला पाएगा? बिल्कुल चलाएगा, ये 2 मीटर का रोटावेटर चलाएगा। अच्छा अच्छा, जो PTO के चक्कर इसके कितने हैं? 540 RPM स्टैंडर्ड RPM 540 है जी। अच्छा अच्छा, लिफ्ट वगैरह देखते हैं तो इसमें लिफ्ट लगभग जैसे 242 में आती थी लगभग उसी टाइप से कुछ कुछ है, थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है। 1480 क्विंटल 1400 kg की, 80 kg का उठाने। अच्छा, लगभग लगभग 15 क्विंटल की जी। तो लिफ्ट कैपेसिटी भी काफ़ी मतलब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर से भी आप लोगों को दिखा देते हैं, फ्रंट में बम्पर वगैरह मिल जाता है, ये देख सकते हैं कंपनी फिटेड, लगभग 85 kg का। और साइड में देख लो स्ट्रेट एक्सल के साथ में ट्रैक्टर है भाइयों, बिल्कुल सीधा नॉन एडजस्टेबल एक्सल दिया गया है। बाकी जो फीचर हैं वो बड़े ट्रैक्टर वाले हैं। तो भैया जैसे इसमें टायर वगैरह दिए गए, तो पिछले टायर कितने साइज़ के हैं? इसका 13 है,
13/28 का पिसोटर, आगे के टायर 16 का। क्या पावर स्टेरिंग में अवेलेबल है ट्रैक्टर? पावर स्टेरिंग में हर हाल में तो नहीं है, अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, पावर स्टेरिंग में भी मिल जाएगा, क्योंकि 242 ज़्यादा तो ये भी पावर स्टेरिंग में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई यहाँ पे देख सकते हैं होर्डिंग वगैरह भी लगी हुई है। तो यूपी के 2 लाख से अधिक किसान भाई इसको खरीद चुके हैं। आयसर 330 4,99,999 रुपये इसकी जो है एक शोरूम प्राइस है भाइयों। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह और एक्सेसरीज अलग से रहेंगे। तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च हुआ है, बाकी कीमत वगैरह भी काफ़ी कम है। तो आप लोगों को आयसर की तरफ से लॉन्च हुआ ये न्यू ट्रैक्टर आयसर 330 फाइव स्टार कैसा लगा, जिसकी कीमत भी काफ़ी कम है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।